I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. दोस्तों वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों अभी आप जो देख रहे हैं मेरे पीछे साइड में, अभी हैगिंग गार्डन में हूँ और ये गार्डन काफ़ी मस्त है। और वो जो पीछे देख रहे हैं वो बिल्डिंग है, वही है अंबानी की बिल्डिंग। मेरा नेक्स्ट ब्लॉग वीडियो आने वाले ब्लॉग वीडियो में वो भी आपको दिखाऊंगा। वो जो पीछे देख रहे हैं वो अंबानी का एल्टिनिया बिल्डिंग है, जो मुकेश अंबानी का है। तो मेरे नेक्स्ट ब्लॉग वीडियो में उसको भी आपको दिखाऊंगा। तो दोस्तों आज के लिए आप हैंगिंग गार्डन का एंजॉय ले, और दिखाते हैं हैंगिंग गार्डन कैसा है और कितना मस्त है, और यहाँ पे कितनी मस्त मस्त पेड़ पौधे जो डिज़ाइन किए हुए हैं तो और भी मन को आकर्षित करते हैं। और यहाँ पे जितने भी खम्भे लाइट खम्भे, सब लाइट के खम्भे में एक छोटा सा स्पीकर लगा है जिसपे एक प्यारा सा म्यूजिक बजता है और मन को आकर्षित करता है। तो चलते हैं आगे और हम आपको दिखाते हैं हैंगिंग गार्डन। तो दोस्तों आप देख सकते हैं वही है अंबानी का घर जो दिख रहा है आपको, वो दो टावर के बीच में वो हेलीपैड वाला जिसपे हेलीकॉप्टर भी उतरती है, वो अंबानी का घर है, एल्टिना हाउस। तो मेरा नेक्स्ट ब्लॉग वीडियो ये है ना, यही है ना, हाँ तो वो लास्ट वाली बिल्डिंग है ना, वही है अंबानी का घर। मेरा नेक्स्ट ब्लॉग वीडियो आएगा अंबानी का घर। अभी आप हैंगिंग गार्डन का एंजॉय करें, और अभी मैं हैंगिंग गार्डन में हूँ। और यहाँ पे सबसे इंटरेस्ट बात यह है कि यहाँ पे ज़्यादा बुज़ुर्ग लोग आते हैं यहाँ पे अपने एक्सरसाइज करने के लिए और जॉगिंग करने के लिए। और यहाँ पे 99% जो है ना उम्रदराज बुज़ुर्ग लोग यहाँ पे आते हैं और यहाँ पे जॉगिंग करते हैं, क्योंकि मैं आके यहाँ पे एक घंटे से देख रहा हूँ कि ज़्यादातर बुज़ुर्ग लोग ही आते हैं। और उधर एक क्लॉक बना है जिसमें अभी फ़िलहाल बज गए 7, तो शाम के 7 बज गए और मैं इवनिंग के टाइम में आया हूँ। आप देख सकते हैं ये क्लॉक है और हैंगिंग गार्डन है, और चारों तरफ से दिखाता हूँ आपको हैंगिंग गार्डन। मैंने आपको बताया कि यहाँ पे जितने भी लेट के खम्भे हैं वो सारे लेट में एक प्यारा सा म्यूजिक बज रहा है जिससे और मन को आकर्षित कर रहा है, और भी अच्छा लग रहा है। और पीछे एक क्लॉक लगा है, घड़ी सारे खम्भे में लगे हैं वो लाइट, वो बॉक्स। तो फाइनली दोस्तों ये है हैंगिंग गार्डन की डिज़ाइन पत्थर की खूबसूरती, कितनी बनावट आप देख सकते हैं, इसे बनाने वाले ने बनाया है और ये पत्थर की डिज़ाइन है। और देख सकते हैं ये गार्डन बिल्कुल शांत लग रहा है, ये गार्डन वाकई में ये शांत लग रहा है। और यहाँ पे कोई चीज़ बनाया हुआ है, हम आपको दिखाते हैं थोड़ा नज़दीक से। वो क्या कहते हैं, पृथ्वी का लोगो बनाया हुआ है यहाँ पे ये गार्डन पे, और उधर घड़ी लगी है। तो गाइज आप देख सकते हैं मेरे पीछे ये पृथ्वी का लोगो यहाँ पे बना है, और इससे हमारे भारत का नक्शा बना हुआ है, और हम इसके करीब नहीं जा सकते हैं क्योंकि आप देख सकते हैं यहाँ पे चारों तरफ इसको घेर के रखा है, और सिर्फ हम यहाँ से देख सकते हैं। आप देख सकते हैं मेरे पीछे ये पृथ्वी का लोगो है और उसके ऊपर भारत का नक्शा बनाया हुआ है। तो ये हैंगिंग गार्डन में है। तो फाइनली दोस्तों आज के लिए इतना ही, आपको कैसा लगा हैंगिंग गार्डन? तो अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, और आप हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें सपोर्ट करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।